असलम डेयर स्टूडेंट्स होप ऑल ऑफ यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ आल माइट टूडे आवर टॉपिक इज कल्पना चावला एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस पिछली वीडियो में हमने इसक, इस चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ा था तो वहीं से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं विन आस्किड वट इट वॉज लाइक बींग ए वूमेन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड जब उसे पूछा गया कि औरत का इस फील्ड में होना कैसा है तो उसने जवाब दिया आई रियली नेवर एवर थाट मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा वाई एम परस्यूइंग माई स्टडी अपनी स्टडी परस्यू करते हुए तालीम हासिल करते वक्त आर डूइंग एनीथिंग एल्स या कुछ और करते वक्त दैट आई वॉज़ ए मोमेन कि मैं एक औरत हूँ यानी जब वो कह रही है कि मैं पढ़ते वक्त मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ मैं ये नहीं कर सकती मैं वो नहीं कर सकती जैसे अक्सर नेगेटिव चीज़ें आती हैं लोगों के माइंड में कि औरत ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती यहाँ नहीं जा सकती वहाँ नहीं जा सकती तो कल्पना चावला की सोच कुछ और थी तो वो तो कह तो रही है कि जब औरत होने की हैसियत से औरत होकर जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं औरत हूँ आर ए पर्सन फ्रॉम स्मॉल सिटी या मैं किसी छोटे शहर से हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि हम छोटे शहर से हैं गांव के हैं दूर के हैं हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते तो ऐसा ये कह रही है मैंने कभी नहीं सोचा और ए डिफरेंट कंट्री या किसी और मुल्क से हूँ मैं ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलो इट दैम मैं वैसे ही मैंने भी सपने देखे थे जैसे कोई और देखते थे जैसे और लोग देखते थे और मैंने अपने जो सपने थे उनको फॉलो किया और उनको पाने के लिए मैंने मेहनत की एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी फार्चुनेटली और मेरे जो लोग थे मेरे साथ फार्चुनेटली खुशकस्मती से ऑलवेज इन्क्रेजेड मी और हमेशा मुझे उन्होंने इनक्रेज किया एंड सैड इफ़ दैट इज़ वट यू वॉन्ट टू डू कैरियर और अक्सर उन्होंने कहा कि अगर आप यही करना चाहते हो तो करो यही करो आप कैरियर रखो कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल द कोलंबिया कल्पना का पहला स्पेस मिशन है स्पेस शटल में जिस जो कोलंबिया था वाज 15 डेज 16 हावर कितने दिन का था जी 15 डेज 16 हावर एंड 34 मिनट लॉन्ग 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था ड्यूरिंग दैट टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स इस अरसे में वो

पोलिनेटिंग प्लांट टू एब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस इस लिए ने मुख्तफ एक्सपेरिमेंट किए जैसे प्लांट पोलिनेट करना स्पेस में ये देखने के लिए कि यहाँ फूड की ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉगर मैटल और स्ट्रॉगर मैटल बनाने के लिए टेस्ट किए इन्होंने एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स फास्टर कंप्यूटर चिप्स के लिए ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर के प्राइज टैग में ऑन नाइट विन द न्यूज़ अबाउट कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक सटरडे नाइट को जब खबर कोलम्बिया के डिज़ास्टर की फैली देर वॉज शॉक इन डिसबिलीफ हर जगह पे शॉक और डिसबिलीफ था द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट करनाल के टाउन ने स्लीपलेस नाइट स्पेंड की रात को करनाल में कोई नहीं सोया एज थाउजेंड ऑफ़ हाउस होल्ड क्योंकि हज़ारों घरने स्टेट ग्ल्यू टू द टेलीविजन चिपके रहे अपने टेलीविजन के साथ इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रियू हैड सम हाउ सर्वाइव इस उम्मीद में वो टीवी के साथ चिपके रहे टेलीविजन सेट के साथ चिपके रहे कि कहीं से हमें खबर मिले कि कल्पना और उसका क्रियो जो है वो किसी न किसी तरह बच निकला है अबाउट कल्पना ए जर्नलिस्ट राइट कल्पना के बारे में उस वक़्त एक जर्नलिस्ट ने लिखा शी वॉज ए हीरोइन वो एक हीरोइन थी इट टेक

के बारे में फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है द टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ स्टार्स एंड अदर ही बॉडीज़ यानी बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए एस्ट्रॉड बनने के लिए इन द एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इनसाइक्लोपीडिय नॉलेज इस सुपर स्पेशलाइजेशन की एज में आपके पास यानी कंप्रहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए टू बी एन एस्टोनट एस्टोनट बनने के लिए हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग उसकी अचीवमेंट जो है वो इंस्पायरिंग फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला मिलियंस यंग इंडियंस जो हैं उनके लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है ए गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन जो एक स्मॉल टाउन की गर्ल्स थी टच एट द स्काईज जिसने आसमान को छूआ हैड बिकम इन इंस्पायरेशन वो इंस्पायरेशन बन गई मिलियंस हिंदुस्तानी के लिए यानी एक छोटे से टावन की जो कल्पना चावला जो थी जिसने बड़े ऊंचे ऊंचे-ऊंचे आसमान को छूने के सपने देखे और उसने अपने सच सपनों को सच भी कर दिखाया ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन है यानी कई लोग अक्सर सोचा करते थे कि हम ये काम नहीं कर सकते हम वो काम नहीं कर सकते लेकिन कल्पना चावला ने ये प्रूव किया कि एक छोटे से कस्बे की औरत अगर किसी चीज़ ठान ले तो वो भी करके दिखाती है तो इसी तरह हर इंसान के लिए ये एक क्या था जी एक इंक्रेजमेंट थी एक इंस्पायरेशन था कि कैसे अपने सपनों को फॉलो किया जाता है कैसे उन्हें पूरा किया जाता है अगर किसी भी कोई भी इंसान दिल में ये पक्का इरादा कर ले कि मुझे ये काम करना है और उसके लिए मेहनत करे वो काम उससे दूर नहीं रहता वो बड़ी आसानी से उस काम को पूरा कर पाता है इन ए मैसेज दैट शी सेंट एक मैसेज में जो उसने भेजी फ्रॉम एब्रॉड एब्रॉड से बाहर से फार से द स्पेस शटल द कोलंबिया कोलंबिया के स्पेस शटल से या बाहर से उसने जो एक मैसेज भेजी टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़ चंडीगढ़ के अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए उसने क्या कहा कहा जी उसने सक्सेस डज एग्जिस्ट जो रास्ता होता है ड्रीम्स से सक्सेस का यानी ड्रीम्स से सक्सेस का जो रास्ता होता है द पाथ From ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट रास्ता जो होता है ड्रीम्स से सक्सेस का यानी अक्सर लोग ड्रीम्स देखते हैं ख्वाब देखते हैं सपने देखते हैं कामयाबी के लिए तो कहता है ये जो लोग सपने देखते हैं कामयाबी के लिए इनमें एक रास्ता होता है कल्पना चावला ने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक मैसेज छोड़ी उस मैसेज में कहा कि सपनों और उनकी कामयाबी में एक रास्ता होता है मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट आपके पास वो विजन हो सकती है इसे ढूंढने की दरेज टू गेट ऑन टू इट और वो हिम्मत भी आपके पास हो सकती है इस पे जाने की यानी इसने कहा कि हर इंसान जो सपना देखता है उस सपने को पूरा करने का रास्ता हर इंसान के सामने आता होता है तो उस इंसान के पास क्या होना चाहिए जी उस रास्ते पे चलने की उस सपने को पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए सिर्फ वो विजन होनी चाहिए कि किस तरह इस रास्ते को मैं ढूंढूंगा किस तरह इस रास्ते को मैं ढूंढूंगी और किस तरह इस रास्ते पे चलूंगी वो कुरेज वो विजन इंसान के पास होनी चाहिए अगर इंसान खुद ही से कहेगा कि नहीं जी ये मैं नहीं कर सकता ये मैं नहीं कर सकता वहाँ मैं नहीं जा सकता तो वो इंसान कुछ कर नहीं सकता तो वही इंसान कामयाब है जिसे अपने ड्रीम्स और अपनी सक्सेस के दरमियान का वो रास्ता दिखाई देता हो और उस रास्ते पर चलने की हिम्मत हो तो वही इंसान कामयाब है

अपने चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो मैसेज छोड़ी वो पूरे हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के यंग जनरेशन्स के लिए भी, भी एक मैसेज है कि आप की जो ड्रीम्स हैं उनमें और आपकी सक्सेस में एक रास्ता है आप उस रास्ते को पहचानिए उस रास्ते को देखिए आपके पास वो विजन होनी चाहिए जिस विजन से वो रास्ते को आप पहचान पाओगे और आपके पास हिम्मत होनी चाहिए उस रास्ते पे चलने की यानी कोई भी आप सपना देखते हो उसके लिए आपको सख्त मेहनत करनी है वो मेहनत करने की हिम्मत आपके पास होनी चाहिए और क्या मेहनत करनी है वो जानने की विजन आपके पास होनी चाहिए अगर ये दो चीज़ें आपके पास होंगी मेहनत और किस रास्ते पर चलना उस रास्ते की पहचान तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे तो ये हर इंसान के लिए है कि जिस इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है वो सिर्फ मेहनत और लगन से ही बन सकता है इसलिए हर इंसान को चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनने के लिए उसे जी जान लगा के मेहनत करनी चाहिए और अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उसके ड्रीम्स हों उन्हें वो फुलफ़िल कर पाए कोई भी ड्रीम्स जो होते हैं वो मुश्किल नहीं होते सिर्फ़ इंसान में हिम्मत होनी चाहिए उनको हासिल करने की उम्मीद है कि ये जो कल्पना चावला की स्टोरी थी ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी और उसकी जो ए ब्रीफ जर्नी थी उस जर्नी के बारे में यानी उसने और क्या काम किए उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके जो टेक्सल क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के कल्पना चावला के वो भी करेंगे और इसका ग्रामर वर्क भी करेंगे तो आज के लिए इतना काफ़ी है बाकी वसलाम अल्लाह हाफि